हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहे मेरे इस वीडियो पर, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं। द हायरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, द जजमेंट, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आज आपको एग्जैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि दे आर जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग देम सेल्फ, दे हैव टू वेट। जब वेट करना पड़ रहा है तो रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने खुद के लिए बना लिए हैं, जबकि इनका मन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर। ये बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर वो एक इमोशनल कनेक्टिविटी महसूस करते हैं। दे आर सैड, दे आर डिसकंटेंटेड। अपनी लाइफ को ये पूरी तरीके से चेरिश नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके बगैर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, नो, दे आर इक्वली इन द पेन। और जितना आप तड़प रहे हो इनके लिए, जस्ट एग्जैक्टली वही एनर्जी इनकी भी है। आप दोनों हो सकता है मिरर कर रहे होंगे एक दूसरे को यहाँ पर, लेकिन कुछ बाउंड्रीज इन्होंने खुद के लिए ऐसी तय कर ली हैं, चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी कुछ इन्होंने अपने गोल सेट किए हुए हैं। और ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे। इन पर या तो इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या इन्होंने खुद को ही ऐसा बना लिया होगा कि ये जब तक उन सारे टास्क को कंप्लीट नहीं कर लेते, ये अपने डिज़ायर्स के बारे में कुछ नहीं कर सकेंगे। और इन्हें बुरा भी लगता है इक्वली कि ये आपको इंतज़ार करवा रहे हैं, और शायद ये अपॉर्चुनिटी चाहते हैं यूनिवर्स की तरफ से। ऐसा नहीं कि दे डोंट वॉन्ट टू वर्क ऑन इट, दे रियली वॉन्ट्स टू वर्क ऑन इट, लेकिन यहाँ पर एक मिराकल ही सब कुछ चेंज कर सकता है। अब ये मिराकल इनके करियर फ्रंट पर किसी बात को लेकर हो सकता है गाइज, अगर ये करियर फ्रंट की बात है तो। अगर नहीं, कोई और कनेक्शन है इनके लाइफ में, एक थर्ड पार्टी सिनेरियो है जहाँ से इन्हें रिलीज़ होना है, तो तब भी एक मिराकल लगता है। तो मिराकल का आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं। दे आर सीकिंग द हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स, किसी तरह से यूनिवर्स इनकी मदद कर दे। और यही शायद ये लिटरली प्रेयर्स भी रखते होंगे गाइज, कि ये विशेस रखते हैं यूनिवर्स की तरफ, भगवान की तरफ, कि यहाँ पर इन्हें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि ये इस मेस्ड अप सिचुएशन से इजीली निकल सकें और अपने लिए कुछ कर सकें। तो ये इनकी एनर्जीज़ हैं। एंड जैसे कि मैंने आज आपको बताया था कि आपके पर्सन किसी एक टाइम फ्रेम का इंतज़ार कर रहे हैं, लिटरली टाइम फ्रेम हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। और जो अदर लोग हैं वो उन लोगों के लिए शायद एक फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है। कि अगर आपके जो ये पर्सन हैं, आइदर आपके डिवाइन मैस्कुलिन या फिर आपके सोलमेट, अगर ये फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर एक गोल सेट करके बैठे हैं कि इस समय तक ही इनके सारे जो भी मैटर्स हैं वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाएंगे एंड तब ये अपने शादी के बारे में सोच सकेंगे। अगर यहाँ पर मैटर शादी का है, एक कमिटमेंट का है, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का है, तो तब ये शायद आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये बहुत सारे अरमानों के साथ एक इंतज़ार में बने हैं। दे आर बैटलिंग, दे आर फेसिंग द चैलेंजेस। इनके लिए आसान नहीं है गाइस, इंतज़ार सबके लिए बहुत ही कठिन होता है। और जब कोई एक ऐसा पर्सन जो जिसने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा हो, अगर आपके पर्सन ऐसे ही पर्सन हैं जो जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली के बारे में सोचा हो, या फिर अपने करियर के बारे में सोचा हो, अपनी डिज़ायर्स का इन्होंने कभी सोचा नहीं था, तो इन्होंने सेक्रीफाइसेस बहुत दिए हैं। और जब आपकी एंट्री हुई है इनके लाइफ में, तो इनके लिए वो एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो शायद इनका जो इनर सेल्फ है, या फिर हायर सेल्फ हम कहेंगे, इनका हायर सेल्फ इन्हें झिझोड़ता है कि जब इतना सब कुछ इनके सामने अभी है, एक जो सपना ये देखा करते थे वो सपना अब इनके आँखों के सामने है, फिर भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो शायद इन्हें इनका जो हायर सेल्फ है वो एक तरह से
पुश करता होगा, एक तरह से ललकारता होगा कि कैसे आप मतलब यहाँ पर खामोश रह सकते हो। बट कुछ चीज़ें इनके हाथ में नहीं होंगी, मतलब ये चाहते तो हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ चीज़ें डेस्टाइंड हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोगों के लिए कार्मिक एंगल भी इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे कि मान लो अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है तो यहाँ पर इनके लिए अभी भी कार्मिक फेजेस बच रहे होंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक एंगल अभी भी बच रहा है तो ये एक वजह हो सकती है कि यहाँ पर डिले क्रिएट हो रहा है, कि मतलब अगर मान लो डिवाइन फेमिनिन्स की भी लाइफ में अगर कोई कार्मिक एंगल बच रहा होता है तो ये सच में एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, आप दोनों की यूनियन नहीं हो पाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ तक हो सके अपने सारे कार्मिक साइकिल्स को जल्द से जल्द एंड करने की कोशिश करें। अगर आपके लाइफ में एक्स हैं उन्हें रिलीज़ करने की कोशिश करें, उनकी एनर्जी से खुद को पूरी तरीके से आज़ाद करने की कोशिश करें, हीलिंग्स वगैरह करवाएं अपनी, तब जाकर ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। ऐसे ही मतलब ये चीज़ें एक पैटर्न में चलती रह जाती हैं, जैसे कि मैंने आज आपको बताया था एनर्जी थीम फॉर टुडे में कि द जर्नी का कार्ड वहाँ पर अपीयर हुआ था। तो द जर्नी टॉक्स अबाउट एवरीथिंग, कि जर्नी पर हर एक तरह का पड़ाव आपको देखना पड़ जाएगा, और अगर आपके जर्नी में अभी भी बैगेजेस हैं, कार्मिक बैगेजेस हम जिसको कहेंगे, उन बैगेजेस को जब तक आप रिलीज करके आगे नहीं बढ़ते, वो बोझ आप उठाकर चल रहे हो, तो जितना बोझ उठाकर आप चलते रहोगे तो उतना स्लोली चलोगे, डिले जिसको हम कहेंगे, राइट। बोझ को हटाकर बिल्कुल ही यू नो केयर फ्री एटीट्यूड के साथ, उन सारे बर्डन से रिलीज होकर एक बिल्कुल ही फ्रेश पर्सनैलिटी की तरह अगर आप इस जर्नी पर चलने लगोगे तो रुकावटें नहीं आएंगी, और वो एक जो डिले है वो भी नहीं आएगा, आप बहुत ही फास्टेस्ट वेज में यहाँ पर बढ़ पाओगे। तो यही यहाँ पर एक जो मैं ऑब्स्टिकल महसूस कर रही हूँ इस पर्सन की लाइफ में, या तो कार्मिक एंगल की वजह से एक बर्डन ये कैरी करके चल रहे होंगे, दे आर स्टिल बैटलिंग सो मेनी थिंग्स हियर, या फिर आपके बैगेजेस की वजह से इनको भी वो एक मोटिवेशन नहीं मिलता होगा, वो एक किक नहीं मिलता होगा कि यहाँ पर ये कुछ कर सकें। वरना तो ये कनेक्शन बहुत ही आसान होगा, मतलब अगर देखा जाए यहाँ पर एक्शन लेने की ही बात है तो इनके हाथ में वो एक्शन है, वो चाहें तो आज ही ले सकते होंगे एक्शन, लेकिन ये नहीं ले पा रहे, वो मोटिवेशन इनको नहीं मिल पाती है क्योंकि आपकी या इनके लाइफ में वो कार्मिक बैगेजेस आज भी बच रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, नाइन ऑफ पॉइंट्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, डेथ, एस ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। तो आज आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर या तो आप अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा क्लियर वेज में बने हुए हो, अपने ही साथ आप एक क्लैरिटी सीख कर रहे होंगे, एक तरह की अगर आप में इनर स्ट्रगल बनी हुई थी इस पर्सन को लेकर या इस सिचुएशन को लेकर, तो वो क्लैरिटी शायद आप सीख करने की कोशिश कर रहे हो, एक स्ट्रगल आपके अंदर बना होगा, आप भागने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर, कि बहुत सारे इनर फियर्स आपके अंदर भी होंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप पूरी तरीके से आज़ाद हो चुके हो, आपको डर लगता है यहाँ पर, इस बात का डर लगता होगा कि पता नहीं यहाँ पर चीज़ें और कितना टाइम लगाएंगी, आपको इंतज़ार करने से डर होगा, आपको बहुत सारे अदर सिनेरियोज़ के लिए भी डर लगता होगा, जैसे कि अगर आपकी लाइफ भी इस पर्सन की वजह से स्टक पड़ी हुई है तो आप यहाँ से आज़ाद होना चाहते हो, मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो हद से ज़्यादा डिले शायद आप हैंडल नहीं कर सकते, हद से ज़्यादा आप इंतज़ार नहीं रख सकते, लेकिन आपको हमेशा इंतज़ार ही मिलता है, मतलब जितना आपने इंतज़ार से भागने की कोशिश की है आपको यूनिवर्स घुमा फिरा के इंतज़ार ही दे देता है। तो यही आपका पैटर्न होगा, मतलब बहुत सारे लोगों का ऐसा भी पैटर्न हो सकता है, ये आपकी लर्निंग्स हो सकती हैं। तो यस, पेशेंस बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ होती है गाइस टू प्रैक्टिस, और अगर आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है तो यूनिवर्स शायद आपसे यही कहना चाहता है कि आपको बस भरोसा रखना है इस प्रोसेस पर, कि हद से ज़्यादा भी आपका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, आपकी जितनी एक कैपेबिलिटी है और जितना आप यहाँ पर यू नो बर्दाश्त कर सकते हो
उतना ही आपको पेन मिलेगा यहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें डेस्टाइन होती हैं गैस, कुछ चीज़ें कॉस्मिक प्लान के तहत ऑलरेडी लिखी जा चुकी होती हैं, और टाइम फ्रेम्स पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो आपका वक्त अभी शायद आया नहीं होगा। तो अगर आप होप सही रखते हैं, एक एटीट्यूड या एक जो अप्रोच हम जिसको कहेंगे, वो अगर प्रॉपर वेज में आप रखते हो, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही ब्यूटिफुली शिफ्ट हो सकती हैं आपके लिए। डेथ टॉक्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। अगर आपके अंदर वो कुछ अभी भी इनर फियर्स हैं, अभी भी आप कहीं से हील नहीं हुए हो, क्योंकि कुछ बैगेजेस हमारे पास भी हम कैरी करके लेकर चल रहे होते हैं, जहाँ से हम पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो पाते। कुछ चीज़ें हमारी आदतें बन जाती हैं, कि हमारा मतलब सोचने का तरीका ही ऐसा बन जाता है कि हम ना चाहते हुए भी ऐसे ही नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं। तो वहाँ से रिलीज होना है, और सेल्फ लव इज़ द बेस्ट वे टू डू दैट। कि आप एक सेल्फ लव में रहिए, वही सारी चीज़ें कीजिए जो आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है ना। ख़ास करके अपने हॉबीज़ एंड पैशंस को फॉलो करना बहुत ही बेहतर होता है गाइस। जितना आप क्रिएटिविटी के साथ जुड़ जाते हो इस लाइफ टाइम में, उतने ही आप खुद में एक वो हल्कापन महसूस करते हो, कि आप वो सारी चीज़ें करने लग जाओ जहाँ पर शायद आपने खुद को रिस्ट्रिक्ट किया था, यू नो। ख़ास करके हॉबीज़ एंड पैशंस को लेकर मैं कहूँगी कि कुछ हमारे एज लिमिटेशंस ऐसी हम बना लेते हैं कि अब तो हम ये सब नहीं कर पाएंगे। मान लो अगर किसी को म्यूज़िक का बड़ा शौक है, सिंगिंग का शौक है, डांसिंग का शौक है, कि हम उस एज को एक फैक्टर बना लेते हैं, एक ऑब्स्टिकल बना लेते हैं कि अब इस एज में हम ये सब नहीं कर पाएंगे। ये हमारी थॉट्स होती हैं गाइस, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, और इट्स नेवर लेट। आप जब कभी भी अपने पैशंस पर कमबैक कर रहे हो तो ज़रूर कीजिएगा, वो एक बहुत ही बेहतर वे है अपने आप को इंडल्ज रखने का, और ख़ुद को एक क्रिएटिविटी की दिशा देने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ रहेगी। अगर ऐसे कोई आपके पास हॉबीज़ हैं, पैशंस हैं, जिसको आप इवन यू नो क्रिएटिविटी के साथ बहुत कुछ कर सकते हो, और जितना आप क्रिएटिविटी के साथ जुड़ जाओगे, उतनी आपकी जो थिंकिंग है वो चेंज होती जाएगी, क्योंकि क्रिएटिविटी आपको बहुत कुछ सिखा देती है। आपका माइंड कहीं पर डाइवर्टेड रहेगा, आप हर बार इसी पर्सन के बारे में सोचते नहीं बैठ जाओगे, है ना। तो जितना आप इस पर्सन के बारे में सोचते होंगे, नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर बिल्टअप होते होंगे, और इवेंचुअली नेगेटिव चीज़ें ही आप अट्रैक्ट करते होंगे। तो जब आप अपना सारा फोकस कहीं और चैनल कर लोगे, और सारी चीज़ें यूनिवर्स पर सरेंडर करके अपना काम आप करने लगोगे, तो वो पॉजिटिविटी खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपका फोकस कहीं और है, और आपने भरोसा करके सारी बातें गॉड एंड यूनिवर्स पर सरेंडर कर दी हैं, तो दे विल टेक केयर ऑफ इट। आप अपना फोकस कहीं अच्छी जगह चैनल करो, ये आपसे कहा जा रहा है। तो अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रगल है गाइस, तो यू गाइस नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। एंड द स्टार टॉक्स अबाउट द मैनिफेस्टेशन, इंटेंशंस बहुत अच्छी रखनी है आपको, होप्स आपको रखनी है ज़रूर। भले ही ये जो एक फेज़ है, ये डिफ़िकल्ट फेज़ होगा आप लोगों के लिए, यहाँ पर हर चीज़ आपको इम्पॉसिबल नज़र आती होगी, लेकिन होप एक ऐसी चीज़ है गाइस जो मिरेकल्स क्रिएट कर सकती हैं। तो अगर आपकी उम्मीद सही है, तो मिरेकल्स हो सकते हैं यहाँ पर, कुछ भी मुमकिन हो सकता है, इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज़ आपके लिए पॉसिबल हो सकती है। तो ये आपसे कहा जा रहा है, ऐसी ही एनर्जीज में शायद आप लोग बने होंगे, आपको अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है गाइस, ऑलराइट। तो फाइनली यहाँ पर इस सिचुएशन में इमीडिएट एक्शन आपके पर्सन की तरफ से अगर कुछ आ सकता है, तो वो क्या है ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द लवर्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कॉइन्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो मैंने आज आपको एक चीज़ बताई थी कि कुछ चीज़ें यूनिवर्स डिसाइड करता है, इनके प्लानिंग्स के हिसाब से सब कुछ होगा ये ज़रूरी नहीं है, ये इनकी सोच है, और ये जैसा चाह रहे हैं वैसा ही सब कुछ प्रोसीड हो ये भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये भी इसी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, और आप भी इसी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पर यूनिवर्स ने आप दोनों ही के लिए कुछ ऑलरेडी तय किया होगा, जो कि आप दोनों ही को नहीं पता। तो कुछ चीज़ें मिरेकुलसली टर्न होने वाली हैं यहाँ पर, कहने का मतलब यही है कि ऑल ऑफ अ सडन, आउट ऑफ द ब्लू,
कुछ चीज़ें ऐसी शिफ्ट हो रही हैं यहाँ पर कि आपके पर्सन हो सकता है अपने उस बिलीफ सिस्टम से खुद को ब्रेक थ्रू करके आपकी तरफ अपनी चुप्पी तोड़ने वाले हैं। मतलब अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, अगर ये बहुत सारी चीज़ें आपको बताते नहीं हैं गाइस, तो हो सकता है यहाँ पर एक कम्युनिकेशन आ सकता है। और जिस वजह से आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस बनी रहती हैं, जो भी मैटर है आप दोनों के बीच में, वो मैटर रिजोल्व हो सकता है। यहाँ पर मेंडिंग पर चीज़ें जा रही हैं। आप नाराज़ हो इनसे क्योंकि हमने आपकी एनर्जीज फाइव ऑफ वॉन्ड्स की, क्योंकि हमने आपकी जैसे एनर्जी देखी है, आपके अंदर वो अभी भी इनर स्ट्रगल है, एक फियर है आपके अंदर, एक अननोन फियर हम जिसको कहेंगे, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, फियर ऑफ अननोन, पता नहीं है कि किस बात का आपको डर है, लेकिन डर है आपके अंदर। तो वो डर आपका यहाँ से वार्ड ऑफ हो जाएगा, यूनिवर्स आपको ऐसे डायरेक्शन पर पुश करेगा, एक एडवेंचरस एनर्जीज में आप चैनल हो सकोगे और इवेंचुअली आप यहाँ पर एक विक्ट्री देख सकोगे, एक जीत अपने पर्सन की भी और आपकी भी, आप दोनों की म्यूचुअल डिजायर्स हैं यहाँ पर। तो यस, आपके पर्सन हो सकता है अपने प्यार का इजहार आपके सामने आकर कर सकते हैं, अगर अभी तक इन्होंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। तो द लवर्स एंड द किंग ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट कि दे लव्स यू अ लॉट, यहाँ पर बहुत सारे इमोशंस ये लेकर बैठे हैं। एस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द कमिटमेंट, द न्यू बिगिनिंग्स, यू नो, तो ऐसा कुछ यहाँ पर जरूर होने वाला है। और अगर आपके पर्सन ने कुछ गलत किया आपके साथ, इफ दे रियली सीज दैट कि इन्होंने कुछ तो अनफेयर वेज में यहाँ पर एनर्जी बनाकर रखी है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है यहाँ पर, तो शायद इस बात की ये फॉरगिवनेस भी आपसे सीख करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर यूनिवर्स एक स्टैंड ले रहा है, मतलब आपके पर्सन का लिटरल एक्शन यही हो सकता है कि दे कैन हैव द कम्युनिकेशन विथ यू, लेकिन इन्हें पुश करेगा यूनिवर्स, मतलब गॉड के प्लानिंग्स के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं। तो जस्ट वेट कीजिएगा गाइस, उस ब्यूटीफुल से अपॉर्चुनिटी का जो आपकी तरफ प्रेजेंट की जाएगी, और उसके बाद से यहाँ पर आप लोगों के लिए शिफ्ट्स बदल जाएंगे। यही शिफ्ट्स यहाँ पर नहीं रहेंगे गाइस, ये सारे शिफ्ट्स यहाँ पर चेंज होने वाले हैं। अगर आपको आज किसी बात पर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, पछतावा होता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है, आप ये सारी चीज़ें गॉड पर सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आपके कॉस्मिक लेवल्स पर ये सारी चीज़ें काउंट हो रही हैं कि आपने कितना इंतज़ार किया, आपने क्या क्या यहाँ पर एफर्ट रखे हैं, वो सारी चीज़ें काउंट हो रही है, वो कहीं नहीं जाएगा। उसका एक जो रिटर्न है, उसका पॉसिबल जो आउटकम है, उसकी फ्रूवेशन है, वो आपको ज़रूर मिलने वाली है। ये जर्नी है गाइस, ओके, और आपने जब मंजिल देख ली है तो आप वहाँ तक पहुँचाए जाओगे, इस बात का आपको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से आप लोगों के लिए हो सकता है प्लानिंग्स तय की गई हैं। तो एक्शन एक्सपेक्ट करने वाले लोगों से मैं यही कहूंगी कि आपके पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये अपनी चुप्पी यहाँ पर तोड़ सकते हैं। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में। ज़रूर एनर्जी थीम फॉर टुडे भी देख लीजिएगा गाइस, वहाँ से भी आपको बहुत सारी बातें वहाँ से भी आपको बहुत सारी बातें जानने को मिल जाएंगी, और उन एनर्जीज के साथ इस एनर्जी को आप कंबाइन करके समझने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएंगी। ये पर्सन आपके या तो सोलमेट हो सकते हैं या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कार्मिक वाइब यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ, इनके लाइफ में अपना पर्सनल कर्मा हो सकता है और आपकी लाइफ में अपना पर्सनल कर्मा हो सकता है, उस चीज़ को रिलीज करने के लिए आपसे कहा गया है। तो आई होप ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल सॉन्ग के लिए इंस्टा स्टोरीज चेक कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।